खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। इंदौर जिले के महू तहसील से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पर आज महाशिवरात्रि पर भक्तों का तांता लगा रहा, जो कोविड-19 के बाद पहला महाशिवरात्रि पर्व है। इस महापर्व पर शिव भक्तों की भक्ति पर कोरोना महामारी का एवं प्रशासन की गाइडलाइन का कोई असर देखने को नहीं मिला। शिव भक्तों की भक्ति चरम पर थी और भक्त भोले की भक्ति में मगन रहे। बताया जाता है कि इसी पहाड़ी पर स्थित कुंड से 7.5 नदियों का उद्गम हुआ है। ये भी बताया जाता है कि दूसरे 13 एक बार पुण्य मिलता है, लेकिन जानापाव तीर्थ आने पर सवाया पुण्य मिलता है। और ये भी बताया जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है। हम खड़े हैं महू तहसील के विधानसभा के जो देश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको जानापाव बोलते हैं। यहाँ पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और इस जन्मस्थली पे 7.5 नदियों का एक उद्गम स्थल भी है। मैं बताते कैमरा पर्सन भी बोलूँगा कि जो 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ से 7.5 नदियाँ निकली है और यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन, जब महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे स्नान करने से जो आंतरिक रोग है और जो बाहर बाधा है यहाँ से आने से यहाँ पर मतलब दूर होती है। इसलिए यहाँ देखिएगा कि हम सुबह 5 बजे से स्नान कुंड में नहाने के लिए जनता भक्तिगण यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही यह उद्गम स्थल अपना परशुराम जी का है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि सामने एक भव्य मंदिर, परशुराम जी का भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। इस भव्य मंदिर में बहुत समय से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन में हुआ। मैं यहाँ के जगह जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आए हैं और इस कुंड में जो स्नान करने का जो स्नान का महत्व है, मैं पूछना चाहूँगा कि बताइए दादा, इस कुंड में स्नान करने का क्या महत्व है? जो बाहर वादा है वो कुंड में नहाने से खत्म हो जाते हैं, मतलब बाहर वादा साफ अच्छे हो जाते हैं। जब से इनकी मान्यता है, लेकिन सड़क नहीं बनी थी उसके पहले से लोग पहाड़ी की चढ़ के आते थे। ये कितनी ऊँची पहाड़ी पर मंदिर स्थित है? ये जो कुंड में पानी है, ये कहीं से ला के डाला जाता है कि ये प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक बारिश का है। और ये पानी, बारिश का पानी अभी तक है? हाँ जी, साल भर रहता है। ये दादा थे जिन्होंने बताया कि इस कुंड का महत्व यह है कि इस पर जो पानी 12 महीने रहता है और इस कुंड में नहाने से बाहर बाधा जो होती है वो खत्म होती है। और यहाँ पर कहीं IAS अधिकारी भी आते हैं स्नान करने के लिए। एक महत्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह देश का, पूरे विश्व का प्रथम ऐसा जानापाव तीर्थ स्थल है जहाँ पूरे भारत में नहीं मिलता है। और यहाँ पर इस हर तीर्थ में यदि कोई भी तीर्थ करने जाता है और वहाँ तीर्थ स्नान करने के बाद यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के इस तीर्थ में स्नान करने से इसका सवाया पुण्य मिलता है। और जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं, तो बताऊंगा कि जहाँ जाना तो तीर्थ स्थल है, मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए देखिएगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह 5 बजे से यहाँ इसी तरह से लाइन लगी हुई है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। साथ ही प्रशासन द्वारा भी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं और ड्यूटी निभा रहे हैं। प्रशासन भी बड़ी सतर्कता है, सतर्क है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं अंदर तक भीड़ लगी हुई है। मैं दर्शाते कि बताएं आप कब से करें आप यहाँ आया है दर्शन करने, यहाँ का क्या महत्व है? अच्छी जगह है ये, शिवरात्रि को मेला अच्छा लगता है। कोरोना गाइडलाइन के कारण शिवरात्रि का मेला तो नहीं लगा, लेकिन अपना जो भक्तों का जो उमंग थी, जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने की, वो भक्ति का आगे बीमारी दूर है। एकदम लोग पिगडम्बर से आए हैं, पास में चिकम्बर गाँव है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। और बताएं कि यहाँ का महत्व क्या है?
मैं कैमरा पर्सन से बोल रहा हूँ, बिहार या भक्तों की भीड़ कितनी भयंकर है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन का भी कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस गाइडलाइन पर भक्ति ज्यादा भारी पड़ रही है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।